कांग्रेस पार्टी की सरकार समय जिन्हें मंत्री जो उस समय से वो अपने मुख्यमंत्री मिलने के लिए पांच साल भटकते रहे, पांच साल उन्होंने अपना मुख्यमंत्री नहीं मिले। अज जदों बगैर अपॉइंटमेंट के एक कांग्रेसी साढ़े मानयोग सीएम साहब न भगवंत मान जी पहुँचे मिलने लिए पहुँचे तो उन्होंने बुला के उन्होंने गल सुनी, आदर सत्कार किया और उस तो बाद उत्थे ही धरना ला के बैठ के किस काम लई कि साधु सिंह धर्मसोत को बचाउणा गा। साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ बहुत सारा एविडेंस सरकार को, बहुत सारे सबूत सरकार को, कानून अपना काम कर रहा, कानून को अपना काम करने तो रोकण के लिए यह भ्रिष्टाचारी उत्थे बैठे ने, क्योंकि इन्हों के खून के इन्हों कांग्रसियों के खून के भ्रिष्टाचार इन्हों रग रग के भरया हुआ गा। ये आकड़े अपने भ्रिष्टाचारी मंत्री बचाने लिए उत्थे बैठे ने गे। इस तो शर्म वाली होर गल की हो सकी है, क्योंकि जी माड़ी मोटी बची खुची कांग्रेस आ पंजाब भ्रिष्टाचारी बचा रही है। इन्हों के बहुत सारे मंत्री दूसरिया पार्टियां चले गए जिन्होंने खूब रच के भ्रिष्टाचार किया और बड़े हैरान आगे कि कैप्टन साहब ने कहा सीगा कि मैं मंत्रियों की जोड़े सबका मंत्री उन्होंने काम करते रहे हैं कि मैं उन्हें लिस्ट जारी करूँगा और उन्होंने बारे सबूत जोड़े है मानयोग सरकार को भेजूंगा, मानयोग मुख्यमंत्री साहब को भेजूंगा। उन्होंने कोई सबूत नहीं भेजा, पर लेकिन जो सरकार मान साहब की सरकार लगातार भ्रिष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन लै रही है तो मैं समझता भ्रिष्टाचार को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी इकट्ठी हुई है। इतों स्पष्ट होंदा गा कि पिछले सालों में कांग्रेस पार्टी ने पंजाब च रज के भ्रिष्टाचार किया गा। अज एक भ्रिष्टाचारी को बचाने के लिए सीएम साहब के घर बैठे लगे। इस तो माड़ा मैं समझा कुछ नहीं हो सकता गा। ये स्पष्ट है कि खून के जिहड़ियां कांग्रसियां दे रगां दे विच खून दौड़ रहा, उहदा कतरा कतरा भ्रिष्टाचार नाल भरिया पिया गा।